से जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताया ना कि इस मार्च का मकसद क्या है और यहाँ पर जितने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, मैं पढ़ रही थी उसमें लिखा हुआ था कि आधा किलो हकूक दे दो। ये कौन से हकूक है जो हम आधा किलो की सूरत में मांग रहे हैं? हमें कौन से हकूक है जो मिल नहीं रहे कि हम इतने तरस के आधा किलो दे दो यार। अच्छा, हमारे मुल्क में बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि हम जो भी बात की जाए उसको बड़ा लिटरल लेके जाते हैं, उसके पीछे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम नहीं देखते ही नहीं है, मैटर ही नहीं करता वो हमारे लिए। जैसे मेरा जो सब मेरी मर्जी के पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक औरत या एक बेटी या एक बहन जो है वो डोमेस्टिकली अब्यूज़ हो रही है या सेक्सुअली अब्यूज़ हो रही है तो उसके लिए आपको उसका कंसेंट लेना चाहिए यार। मतलब आप एक औरत है, वो भी एक इंसान है। फेमिनिज्म का मतलब या औरत मार्च का मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है कि आपको जो है वो सिमिलैरिटी मिली जाए मर्द के मुकाबले पे, आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अगर आप एक मर्द एक कंपनी का सीईओ है तो एक उसी तरह एक औरत को भी चांस, अगर उसके पास भी वही स्किल बेस है तो उसको भी चांस मिलना चाहिए कि वो उस कंपनी की सीईओ बन सके, ना कि वो मर्द उसको कहे आके या कोई डायरेक्टर कंपनी का उसको आके कहे कि पहले आप मेरे साथ लेटे फिर आपको ये पोजीशन मिलेगी। मैं अपना खाना खुद गर्म करता हूँ, ये उसका जवाब है कि अपना खाना खुद गर्म करो? ये जवाब नहीं है, लेकिन ये बेसिकली एक प्रोक्लेमेशन है इस बात की कि जो भी रोल्स हैं हमारी सोसाइटी में कि औरत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक नेसेसिटी बनाई हुई है, वो एक नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए, वो एक चॉइस है। और कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है जो औरत मर्द कर सकता है और जो इस सोसाइटी में उसको सक्सेसफुल बनाता है, काफ़ी कोई ऐसे काम है जो औरत कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि औरत सिर्फ इस काम पे रह जाए कि वो सिर्फ घर पे खाना गर्म कर रही है या कोई सफाई कर रही है। अच्छा, आपने कहा है कि मैं अपना खाना खुद गर्म करता हूँ, तो आप अपने कपड़े क्यों नहीं धोते हैं? कपड़े भी मैं कभी कभार खुद धोता हूँ, मेरे कोई घर में औरत कोई नहीं धोती, लेकिन जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है जो लोगों के हमने काम लगाए हुए वो करते हैं। लेकिन इस तरह भी होता है कि बर्तन भी कभी कभार मैं खुद धोता हूँ। द पॉइंट इज़ कि हमें तो, मैं तो एक प्रिविलेज क्लास से हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है करने की, बट ऑब्वियसली भी अपना खाना खुद गर्म करते हैं। हाँ जी, मैं करता हूँ, डेली करते हैं, मैं पकाता भी हूँ खाना, मैं चाय भी बनाता हूँ। अपने अपने लिए अपना सारा कुछ खुद करते हैं जी, ऐसा ही होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डेजिग्नेटेड काम किसी औरत के लिए होना चाहिए मेरे ख्याल से। इस पूरे ग्रुप से बात करेंगे जो प्ले कार्ड उठाए हुए। अच्छा जी, आपने आपका स्लोगन है जी मेहनत पूरी उजरत की बात है, किस हवाले से? एक्चुअली मैं इसी हवाले से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी औरतें जब भट्टा पे काम करती हैं उनसे काम करवाया जाता है 12 घंटे 14 घंटे, लेकिन उनको पूरी उसकी जो मेहनत है उसका पैसे नहीं दिए जाते। एक्चुअली हम फैक्ट्रियों में भी देखते हैं, किसी भी जगह में चले जाए वो जितना मर्द काम करता है उतनी ही औरत काम करती है, 12 घंटे ड्यूटी टाइमिंग होती है, लेकिन लड़की की उसे उजरत उसे पूरी क्यों नहीं मिलती? अच्छा, तो क्या मर्दों को उजरत पूरी मिलती है? बिल्कुल उन्हें पूरी मिलती है, हालांकि सेम उनकी क्वालिफिकेशन होती है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन औरतों को सैलरी कम दी जाती है, लेकिन मर्दों को ज्यादा क्यों दे? कुछ इदारे ऐसे भी हैं जहां पर औरतों को शक्ल के बिना पर उनको बुलाकर उनको बुलाते हैं, बेशक काम नहीं आता लेकिन पे उनको करते हैं, फिर वो क्या? नहीं, हम तो ये जो आम मजदूर भट्टा की औरतें हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाली औरतें हैं, हम तो इन पे इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, उनको उजरत पूरी नहीं मिलती औरतों के साथ बहुत बदी जाती। मैंने बहुत सारे मर्द भी ऐसे देखे जिनको उजरत पूरी नहीं मिलती, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? औरतों के लिए, मर्दों के लिए आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं उठा रहे? जब 9 मार्च 9 डेट होती है वो औरतों का होता है दिन, वहाँ पे वो अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन औरतों के साथ मोस्टली ज्यादा ज्यादतियां होती हैं क्योंकि उनको उजरत पूरी नहीं दी जाती, उनकी मेहनत पूरी नहीं दी जाती। स्कूलों में अगर वो जॉब वगैरह करती हैं, ठीक है, टीचर एज ए टीचर वो वहाँ पे जॉब करती हैं, उनको 3500-4000 सैलरी दी जाती है, लेकिन मर्दों को फिर भी 20 से ज्यादा ऊपर वो ले जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, आपने कहा है मेहनत का शोहरत को लाल इस्लाम, लाल इस्लाम क्या मतलब? लाल इस्लाम का मतलब होता है मेहनत और हिम्मत का इस्लाम। औरत जो है वो मेहनत का शोहरत से मुराद वो है जो कि काम भी करती है, घर को भी देखती है, घर बाहर देखती है, अपने बच्चों को संभाल रही है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो पूरा वीक काम करती है और वीकेंड पे कपड़े भी वो खुद ही धो रही होती हैं, ठीक है, फिर सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस का काम करने के बाद रात को आके घर में बच्चों को खाना भी बनाती हैं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, इस स्लोगन के वाले से क्या कहेंगी? अभी एक बंदे ने प्ले कार्ड उठाया हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर दुपट्टा इतना ही पसंद है तो खुद पहन लो।
ये आदमी ने दुपट्टा जो है वो औरत की मर्जी है। अगर हम लोग ये बात करते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो औरत की मर्जी है। हम ये बात क्यों करते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी? क्योंकि औरत का जिस्म उसी की मर्जी है, ठीक है। अगर एक रास्ते में चलते हुए एक आदमी आपको छेड़ के चला जाता है, ठीक है, कोई उसके लिए कुछ नहीं कहता है। इसका मतलब यही हुआ कि एक औरत के ऊपर सिर्फ उसके खावन या उसके घर वालों का ही नहीं, बाहर के फिरने वाले जो आवारा जिनका कोई मकसद भी नहीं होता, उनका भी इख्तियार है कि वो बीच रास्ते में उनको छेड़ के चले जाएं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते। मर्द हजरात आजकल क्लेम करते हैं कि सबसे ज्यादा हैरेसमेंट केसेस जो है वो हमारे साथ भी हो रहे हैं, क्योंकि खवातीन हमें हरास करती हैं। खवातीन हरास नहीं करती हैं, खवातीन सिर्फ अपनी आवाज उठाती हैं अपने हक के लिए। अगर उनको ये चीज लगती है कि ये हैरेसमेंट है, तो ये फिर ये गलत सोच है, ठीक है। अगर हम लोग अभी ये चीज लेकर निकले औरतों के लिए, तो इसका मतलब अगर किसी मर्द को ये चीज पसंद नहीं है, वो इसको हैरेसमेंट का नाम दे देगा। हम किस तरह की आजादी चाह रहे हैं, हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं? देखें, एक आदमी को जिस तरह की आज़ादी है कि एक आदमी जब घर से निकलता है तो वो सोच के नहीं निकलता, ठीक है, उसको कोई मसला नहीं रास्ते में था। लेकिन जब एक औरत को निकलना हो कहीं के लिए, तो वो हजार दफा सोचती है, क्योंकि उसे पता है कि उसे रास्ते में कहाँ कहाँ मसले आएंगे। अगर हम जॉब करते हैं, ठीक है, तो हमें बॉस का प्रेशर उस तरह से आदमियों पर नहीं होगा जैसे कि औरत पे होता है। क्या समझती है इस तरह से प्रोटेस्ट करके साल बाद एक दिन इस तरह से खड़े होकर प्ले कार्ड उठा के, क्या हम ये सारा कुछ अचीव कर लेंगे जो हम सोच रहे हैं, जो हम तब्दील करना चाह रहे हैं जिस सोच को, क्या वो बदल जाएगी? ये तो एक व्यक्ति का दिन है ना, यहाँ पे सब इकट्ठे होकर बता रहे हैं कि है, लेकिन ये जो अगर इसको चेंज करना है तो वो सबको समझना पड़ेगा, और वो साल में एक दिन इकट्ठे होने से नहीं होगा, 365 दिन अगर वो इस चीज का ख्याल रखेंगे तो होगा। तो फिर जब हम मियां मिठू का नाम लेते हैं, तो इमरान खान, खवातीन पर तशद्दुद बंद करो, एक्शन क्यों? कहाँ देखा है आपने खवातीन पर तशद्दुद? किसको कह रहे हैं? मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी जैसे देखे हैं जिनपे बता रहे हैं कि एक सिख भाई ने अपनी अगला पड़ाव हमारा इस्लामाबाद है, ये वो इंसान। तो दीगर आप भी अगर कानून नहीं बनता, पता है खवातीन सुबाई वजीर अकलियतों के यूट्यूब और इंसानी हकूक के, उन्होंने 3 माह पहले, अच्छा मुझे बताएं, ये जो हम हकूक की बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि आधा किलो में वो बिल नजर भी नहीं आया, आधा किलो हकूक, क्या शर्म आनी चाहिए को पहले से हकूक देने की? श्री मजारी ने इकवामे मुतहदा में ये बयान दिया है, ये लेकिन मुझे आधा किलो को वाला तो पता नहीं आया, आपने पता नहीं क्या कह दिया है, ठीक है। लेकिन इस्लाम ने औरत को बेसिकली यहां पर जो औरत मार छोड़ है वहां पर इन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ, आधा किलो हकूक के दम कौन से हकूक मांग रहे हैं? कोई बिल असेंबली में आने ही नहीं देते, और अगर कोई आता है तो उसको जो है ये कहकर जैसे अब एक औरत, यानी मेरी बहन ही लगा लें, वो अब खुद ना बाजार नहीं जा सकती, अपनी पसंद की चीज नहीं खरीदती है, तो मैं एक भाई हूँ, ठीक है, दिल में तो आता है कि छेड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये बात तो गलत है, उसके दिल में भी तो है ना वो, ये अच्छा कभी खुद छेड़ा है? हैदरी साहब ने ये कहा, मैंने तो ये अकलियतों को देखे, शरीफ नहीं बनना, रियलिटी बतानी है, कभी खुद छेड़ा है, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि खुद किया हो? नहीं, अब कोई ऐसा है कोई शरीफ जो किसी को छेड़ेगा? अब हर कोई छेड़ता है, मैंने छेड़ा, इसने छेड़ा, हर किसी ने छेड़ा किसी ना किसी को। आप और वो छेड़ना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें रिजोल्व होना शुरू हो जाएंगी। बेशक कैसे रिजोल्व होंगे, सब कुछ ऐसे होगा, लेकिन अगर मैं आप किसी की बहन को देखूंगा तो कल को कोई मेरी बहन को भी कोई देखेगा, ठीक है, तो ये बात है। आपने लिखा है जी मैं आज़ाद पैदा हुई थी, तो क्या आप आज़ाद नहीं हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस कंट्री के अंदर मैं आज़ाद नहीं हूँ। कैसे कह रही हैं? मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि मुझे आज़ादी नहीं है कि मैं अभी, अगर मैं अकेली भी इधर चल रही हूँ तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं आज़ाद हूँ। रात के 12 बजे मैंने सड़क पे पानी लेने जाना हुआ 7 स्टोर पे, मैं आज़ाद नहीं हूँ। बाहर मैंने कहीं भी वॉक करने जाना हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरे बेसिक फ्रीडम है ना, जो मेरा बेसिक राइट टू सेफ्टी है, मुझे इस मुल्क में नहीं मिल रहा। किस मुल्क में मिलेगा? शायद किसी मुल्क में भी ना मिले, लेकिन शायद पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं मिलता है बेसिकली। अच्छा, मुझे एक छोटा सा मेरा पॉइंट है कि जिस तरह से आपने बात की कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं रात को 12 बजे घर निकलती हूँ, ठीक है, आप ठीक है आज़ाद नहीं है, लेकिन दूसरी ऑन दी अदर साइड हम देखें कि अल्लाह ताला ने खुद आसमानों पर जोड़े बनाए हैं। अगर हम इतना ही आज़ाद होते, हम इतना ही अपने आप को कर रहे होते, तो फिर जोड़े तो ना बनते हमारी हिफाजत के लिए, मर्द तो ना होते? देखिए, जो मर्द की हिफाजत वाली बात है ना, ये ठीक है हमारे रिलीजन में लिखा हुआ है, बट हमारी सोसाइटी में ओवर टाइम जो जेंडर रोल्स इन्फोर्स हुए हुए ना, मुझे ये नहीं लगता कि मुझे किसी मर्द की ज़रूरत है अपनी हिफाजत के लिए। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट रिलीजन से स्टेम होके आता है ना कि हमें मर्दों की ही ज़रूरत है हिफाजत के लिए, मैं उस चीज़ से पर्सनली अपने ओपिनियन में अग्री नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत का, क्योंकि हर औरत वही डिज़र्व करती है जो हर एक मर्द डिज़र्व करता है इस कंट्री के अंदर, आई थिंक हर औरत का वही बेसिक राइट होना चाहिए जो हर मर्द का बेसिक राइट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, औरत के लिए।
इस मार्च में आपने लोगों के व्यूज सुने, खवातीन के व्यूज सुने, मर्दों के व्यूज सुने, मर्द भी जो हैं इस मार्च में औरतों के शाना बचाना करें, इनफैक्ट उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें। और मेरा जिस मेरी मर्जी जो एक नारा है जिसको जिस तरह से लोग सोचते हैं, इनका ये कहना है कि उसका बिल्कुल भी हरगिज़ भी वो मतलब नहीं है। हमें हमारे हकूक़ चाहिए और इस्लाम ने जो हकूक दिए हैं उस तरह से हम आज़ाद नहीं हैं, तो हमें आज़ादी चाहिए। आपने कि आपने व्यूज़ में सुना कि किस तरह की इन औरतों को आज़ादी चाहिए, आप भी हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमरा न्यूज़।